So guys, it's time to say goodbye to Ho Chi Minh City and get excited for Nha Trang. It's the correct pronunciation by the way. So guys, अभी एक scene हो गया छोटा सा. तो हम लोग जिस van के थ्रू यहाँ पर आए थे. कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी में जितने पल भी जियो उन पर ऐसे जीना चाहिए जैसे कि आखिरी पल हो. जी हाँ दोस्तों, ये कहने और सुनने में तो काफ़ी इजी लगता है, बट प्रैक्टिकली जब करने आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए. और आज हमारा चौथा दिन है हो ची मिन्ह सिटी में और चार दिन से हम सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं. और कल हम गए थे चू ची टनल. और तो आज का प्लान ये है कि आज हम वॉर म्यूजियम जाने वाले हैं. और फिलहाल अभी बज रहे हैं सुबह के 9. तो आज आपको ये भी पता लगने वाला है कि नहा तरंग जाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है और कैसे कैसे करके नहा तरंग आप पहुँच सकते हैं. Testing 1 2 3 1 2 3. आप लोग बोलोगे कि मेरे पीछे अचानक से मॉल कैसे आ गया, ये कॉम्प्लेक्स कैसे आ गया. तो जैसे ही हम लोगों ने चेकआउट किया और मैंने अपना कैमरा निकाला व्लॉग करने के लिए, तो पता लगा मेरा जो मेमोरी कार्ड है फुल हो गया था. तो मेरे जो बाकी के दो मेमोरी कार्ड है वो भी फुल हो गए थे ऑलरेडी. तो मुझे अभी तुरंत यहाँ शॉप में आके नया मेमोरी कार्ड परचेस करना पड़ा. तो अभी मैं जस्ट मेमोरी कार्ड परचेस कर रहा हूँ और अभी हम जा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज करने के लिए. उसके बाद थोड़ा सा लंच करेंगे और उसके बाद सीधे निकल जाएंगे हम वॉर म्यूजियम के लिए. तो उसके बाद फिर हमें नहा तरंग के लिए टिकट्स भी बुक करनी है और नहा तरंग हम शायद बस से जाएं. उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन में आगे बताता हूँ. सो गाइस, ये है आपकी वॉकिंग स्ट्रीट. यहाँ पे लोग आते हैं टहलने के लिए. शाम के टाइम में ज़्यादा रौनक देखने को मिलती है यहाँ पे और रात के टाइम में तो बोलते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को. और इसी वॉकिंग स्ट्रीट के चारों ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं और अच्छी अच्छी दुकानें हैं, शोरूम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. और इसके जस्ट सामने है ओपेरा हाउस जो कि काफ़ी एक अच्छा आर्किटेक्चर है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है. तो गाइस, हम लोग पहुंच गए वॉर रिमेंट्स म्यूजियम. टिकट है वो अराउंड 100-110 रुपए के आसपास है. बट जो ये टिकट यहाँ का सिस्टम जो है वो बड़ा पसंद आया मुझे. ये लोग एक पर्ची काट के देते हैं, इसमें स्कैनर लगा होता है, आपको गेट पे ये टिकट लगाना होता है. जैसे हमारे वहाँ मेट्रो में स्कैन होता है ना मेट्रो कार्ड, वैसी ये टिकट स्टार्ट स्कैन हो जाता है और आप एंट्री कर सकते हो. तो एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी, ये सारे यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं वॉर के टाइम की. आर्मी के इतना नुकसान करने के बावजूद, पूरा तहस नहस करने के बावजूद भी इस कंट्री को मानना पड़ेगा. इन्होंने अपने दम पे, अपने बलबूते पे इंडिपेंडेंट हुए और सारा रेनोवेट करा. ये अगर आप लोग हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं. और सारी चीज़ें बताई हुई हैं, एक एक चीज़ लेटर्स लिखे हुए हैं वॉर के टाइम के. और एक मूवी भी यहाँ पर दिखाते हैं ग्राउंड फ्लोर पर. तो टिकट तो ज़्यादा है नहीं, 100 रुपये के आसपास टिकट है. और म्यूजियम से अब हम लोग आ गए हैं बस स्टैंड पे. और यहाँ पे आके आप नहा तरंग की बस की टिकट दे सकते हैं. ये जो हमने बस बुक करी है और रात को चलती है 9 बजे और आधा घंटा पहले यहाँ पर आ जाना होता है.
और जो बस की टिकट हमें पड़ी है वो अराउंड हमारे 700 रुपये के आसपास पड़ी है। स्लीपर बस है, एसी बस है, तो और ओवरनाइट जर्नी है, तो हमें लगा कि आराम से अच्छी बस ले लेते हैं। एक ऑप्शन ये भी, आप ट्रेन से भी जा सकते हो और प्लेन के थ्रू भी जा सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन हमें बस लगा क्योंकि नियर बाई है, सिटी के पास में बस स्टैंड है और सारी चीज़ें आसपास है, कुछ खाना पीना हो, और थोड़ा सा ट्रेन से आई थिंक चीपर भी है, सबसे चीपर यही तरीका है। अदरवाइज ट्रेन थोड़ी महंगी है और प्लेन अगर आप इंस्टेंट कराते हो तो महंगा ही पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ है, टिकट या एंट्री पासेस हैं, कुछ भी हो, उसकी फ़ोटो जरूर खींच लें। अगर बाई चांस वो खो जाता है तो एटलीस्ट आपके पास सॉफ्ट कॉपी रहती है। ये होते हैं ट्रैवल के फंडे, समझ रहे हो आप, ऐसी वीडियोज़ देखते रहो, ट्रैवल के फंडे मिलते रहेंगे। और बाय द वे, आज हमने वॉर मेमोरियल किया था, इससे पहले हम लोग कहाँ गए थे, सूची टनल, और उससे पहले यहाँ सिटी टूर किया था, उसकी वीडियो देखने के लिए आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ का वीज़ा कैसे लगता है और क्या प्रोसेस होता है उसका, वियतनाम का, इंडिया से अगर आप आ रहे हो तो उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, कैब की बहुत ज़्यादा सवारी कर ली थी, अब हमने सोचा एक बार बाइक की सवारी भी की जाए। कौन पे रुकते हो होचिमिन सिटी में, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कैफे है, एजुकेशन जस्ट बिहाइंड मी, एंड यहाँ पे आपको बियर्स भी मिल जाएंगी, बहुत सारी डिफरेंट और वाइन्स भी मिल जाएंगी। तो हॉट कैफे जो हमें इस एरिया में यहीं पे मिली और काफ़ी अच्छी बनती है। सो गाइस, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू होचिमिन सिटी एंड गेट एक्साइटेड फॉर यहाँ त्या, इट्स द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय द वे। तो गाइस, पता अभी हुआ क्या, वहाँ से हम लोगों को एक छोटी सी वैन में बैठाया और हमें लगा कि यार ऐसा तो नहीं हमारा कट गया, बिकॉज हमने जो टिकट ली थी वो स्लीपर बस की ली थी और ये लोगों ने हमें वहाँ से सिर्फ कम्यूट करने के लिए उस छोटी सी वैन में बैठाया था। सो बेसिकली ये एक अच्छा आइडिया है कि अगर जो टिकट्स वगैरह हैं वो सारा सिटी में अवेलेबल हो जाए और वहाँ से छोटी छोटी वैन्स के थ्रू लोगों को बाहर बस स्टैंड जो है, मेन बस स्टैंड है, वहाँ तक कम्यूट कर दिया जाए ताकि बसों की जो है ना मेन सिटी में एंट्री ना हो। थर्मल वाली होती है ना, इसमें पानी गर्म रहता है, वो छूट गई है, तो अभी हमने थोड़ा कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है इन लोगों से, तो मे बी अगर ये लोग देख रहे हैं कि अगर कोई वैन वाला आए तो उसमें वो वापस आ जाए, लेट्स सी, अगर आती है तो आई होप फॉर द बेस्ट। सो गाइस, ये है हमारी स्लीपिंग बस और यहाँ इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं, कल से एक नई वीडियो शुरू होगी नाथैंग की और नए नए सी साइड व्यूज़ के साथ, तो अभी गुड नाइट, इस बाय।